हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग दिखाने वाले हैं हमारे NIT के बाहर का व्यू कि NIT गेट के बाहर क्या है, खाने पीने की जो मतलब शॉप्स वगैरह हैं और जो थोड़ी बहुत जगह है। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। एक चीज़ और, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही इनोसेंट देख लो तरीके से मैंने बोला है, कर दिया करो। इनके ये लिए आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे इनके हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? फाइनल हो गया, तेरी 9.6 जीपे की पार्टी मिलनी चाहिए भाई। 6-7 अबे चाहे भाई कितनी भी हो, 9 से ऊपर हमारे लिए तो देवता है। चल भाई, चल पार्टी भाई, ओए ओए पार्टी। अबे भूखी नहीं औरत, कभी हाँ भी बोल दिया कर। तू बता, तू तेरे भी कम ना आई है यार, 8.3 आई है। तू आप बताओ, 8.5 सुबह सुबह उठ के तेरा देखा, 1-2 पॉइंट तक ही हुआ है यार। हम चारों में से जिसकी हाईएस्ट 2 रहेगी पार्टी को देगा। हाँ, 2 पार्टी। अब टुच्ची औरत, चुपचाप पार्टी दे दियो, वरना रूम में घुसने नहीं दिया जाएगा। आज हमारा पेट भरा हुआ है। तो ये है बॉयज हॉस्टल H4 और उधर आगे आगे आने वाला है H5। गाइस हम भी नहीं गए, तो क्या ही करेगी, जो जेंडर चेंज करवा के जा। पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ, इसका तो पूरी कहानी पैसे पे ही आके अटक जाती है। तो यार हर चीज पैसा ही है। हाँ। अच्छा नहीं, ऐसे तो नहीं है। मेरे को भाई कुछ नहीं, मेरी ऐसी खुशी होती फिर भी मैं इनको खिला देती हूँ ये सोच के कि चल अपने पालतू जानवर है। पर इन लोगों के अंदर कभी ये नहीं है कि चल बहन को कुछ खिला दे। मालिक हूँ, तलवे चाट मालिक कुछ नहीं है। इस साइड से शुरू कीजिए, रिचा तू भी है, तूने मान लिया? आई मान लिया क्या जो इन्होंने माना अभी? क्या माना है भाई तुमने? तू पालतू जानवर है? नहीं तो? तो फिर पार्टी दे। पार्टी पैसा नहीं है यार। मीना को बर्तन मांजना अच्छा लगता है? ये तो अच्छी बात है ना, वो साफ सुथरी रहती, तेरी तरह नहीं है ना फंगस लगा लेती है। यार मैं बर्तन धोती भाई, इसके रूम में चली गई भाई एक दिन मैं, इसके रूम में पता क्या हुआ, इसके ना उसमें यूटेंसिल्स में भाई इसके में छोटे छोटे कीड़े निकल रहे पानी कुछ में। भी है अपने बारे में कुछ नहीं बता रही है। अच्छा, तू नहीं तो निकाले थे वो सारे कीड़े? तो मेरे छोटे फंगस लगा ली, खा रही है। तू हाथ देके गई थी उसके अंदर? H5 बॉयज हॉस्टल। और ये हमारा इधर का देखो व्यू, वैसे मैंने दिखाया हुआ है पहले भी, बट इसको इत्मीनान से दिखाते हैं आज ये कैसा है भाई। यहाँ फोटो बहुत अच्छा आता है, मेरा तो पर्सनल व्यू है कि यहाँ से मैं आई थी तो ये जगह मेरे को एकदम मस्त लगती है। देख लो ये नीचे ना रोज बुशेज है और इसके अंदर जब मतलब आप इसके अंदर ना फूल आएंगे पूरा एकदम मतलब खिल जाता है। ये वो नहीं आती वो फीलिंग, वो बॉलीवुड वाली वो फीलिंग आती है। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड ही कितना, एक लग रहा है बेचारा उसकी क्यों तोड़ रही है ये। इधर ये जो है इधर पूरा का पूरा फूल ऐसे नीचे गिरता है और ये मेरे को NIT का बेस्ट पार्ट लगता है। बाकी उधर जो भी पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, और ये देखो ये यहाँ तो मैं किनको सफेदे का पेड़ है। तुम लोग क्या बोलते हो? तू क्या बोलती है, तेरी भाषा तो हर 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 चीज के लिए अलग है। खवा दे खिला दे को बोलती है खवा दे, हैं तू ही बोलती है ऐसे। ये इधर मतलब एंट्रेंस गेट है, और एंट्रेंस गेट सही वर्ड है या गलत है? सही है, चल जो भी है, अंग्रेजी थोड़ी वीक है। बाकी ऋचा जी आप बता दो जी, यहाँ का ये सीन कैसा लगता है आपको? जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इट इज वेरी वेरी नाइस। भाई ये कैमरा आज कोई और हैंडल करेगा भाई, ये बैकग्राउंड में मैं आनी चाहिए हूँ। देख कभी कभी मेरा थोबड़ा ठीक जगह पे आ जाए ऐसा, मेरे तो आता में दर्द है। तो यहाँ ना ये पूरी की पूरी ऐसे संतरी फूलों की बरसात होती है। ये संतरी नहीं है, अबे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या नहीं है, पीला बोलते हैं और ना संतरी है, संतरी है। और यहाँ वो फूल और इधर का पूरा ऐसे वो गुलाब गुलाब और हाँ 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 हाँ
ए बहन तू मुझे तो दिखा दे, इतनी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रही थी मैं, कितना अच्छा बैकग्राउंड है ये। तो बस यही था भक्त जन, नहीं दर्शकों, बस यही था। अब हम बाहर दिखाते हैं, इसके पास में पार्किंग एरिया है और इधर ये एंट्रेंस गेट आ गया है, भी है दो और वो आम का पेड़ है जिसे हम ड्रम के ऊपर चढ़ के तोड़ते हैं। अच्छा। भूत भी आता है, किसने कह दिया तूने? तू क्या उस पे नाचने गई थी पीपल के पेड़? नहीं पीपल के पेड़, और कोई पेड़ बचा है? पीपल के पे आता है। पीछे दिख रहा है ना, ये हमारा मंदिर है, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, और ये फूल भी प्यारे हैं, और उधर पूरा ऐसे पेड़ वेड़ है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो ट्यूलिप्स, और ये कौन से फ्लावर्स है? ट्यूलिप्स से तो बोलते हैं इनको, ट्यूलिप बोलते, क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, पर बहुत सुंदर है। और वो मंदिर है, अभी हम मंदिर जाएंगे नहीं, है खा के देख, मर गई तो जहरीले। ये तो वो है, कौन सा? क्या है? कौन सा है? गुलजारा, गुलजारा जैस्मिन, ये इसको जैस्मिन है ये? नहीं मजाक था वो। और यहाँ से देख लो, ये व्यू है उधर गेट के बाहर का, मेन गेट है एनआईटी का। हाँ, और चांद निकल आया है, ये रहा। जस्ट बाहर का व्यू। तू ये बता, तेरे को यहाँ कुछ अच्छी लगती है खाने की चीजें? रिकमेंड कर। सॉफ्टी, राजभोग, पर्सनल फेवरेट है वो तो तेरा। भैया भर भर के देते हैं। यहाँ पे ऑटोज वगैरह रहती हैं, जो कि आप लोगों को बाहर जाना हो, बट साइड आके बता रही हूँ, यहाँ से ना ऑटो कम से कम लिया करो, बहुत पैसे लेते हैं भाई। अंदर ई रिक्शा वगैरह चलवा रखे हैं हमारे कॉलेज में, तो उसके हाँ उनके रेट्स थोड़े, मतलब उनके फिक्स्ड है ना, वो लोगों का है कि अगर तुम लोग चार लोग भी जा रहे हो, पांच लोग जा रहे हो, वो लोग फिक्स रेट लेते हैं, ये थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। अगर हैवी उस केस में पड़ता है जब बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जा रहे हैं, एक दो बच्चे हैं, तो वो फिर भी 150 रुपये के आसपास ही लेंगे। तो आई वुड से कि अगर आप लोग बहुत सारे लोग नहीं हो, यहाँ पे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो शेयरिंग में नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग अंदर से ही जाएँ, है ना, हाँ बस यही हमारा बाहर थोड़ा ऐसा सीन। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है एकदम, मेरे को तो उजाड़ लगता है। चलो ये सॉफ्टी खाएं। हम सॉफ्टी खा के आते हैं। भैरुनाथ, भैरुनाथ कुल्फी आइसक्रीम, जो कि हमारे गेट के जस्ट पास है, और यहाँ इनकी सॉफ्टी अच्छी लगती है। और भैया बोल, मतलब भैया इतने अच्छे हैं, हम एक्स्ट्रा चेरी भी देते हैं। हाँ पूनम के लिए एक्स्ट्रा चेरी, और हमारी रिचा तो ठंडा खाती नहीं है, ठंडा खाती नहीं है आजकल, रिचा गरम भी नहीं खाती है। भैया फिर प्राइस बता दो आप अपना। 20 ओनली 20 बोला करो भैया, सेवेज लगता है सेवेज। देख लो आज भैया वीडियो बन रही है, आज तो इसमें अच्छे से भर दो, ठीक है? तो वैसे इनकी सॉफ्टी एक्चुअल में अच्छी होती है, अगर कोई भी देख रहा है तो आप लोग यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे खाती है, इनकी नजर भी नहीं हट रही है, मैक्सिमम बच्चे खा ही लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, बट जिसने नहीं किया एंड दे लाइक टू टेस्ट इट, तो भाई मेरा रिकमेंडेशन है कि खा सकते हो। टिल देन बाय, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मीना बाय बोल दे, बाय। ऋचा बाय बोलेगी, बाय। ऋचा बोल इनको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। एक बार फिर बोलती हूँ, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प हो सकती है। हाँ, हमारी सारी फालतू की ख्वाहिशें इससे पूरी हो सकती है।